गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने करीब 10 घंटे पूछताछ की। बुधवार को भी रॉबर्ट वाड्रा से करीब 6 घंटे तक पूछताछ हुई थी और जवाबों से संतुष्ट न होने पर ईडी ने कल फिर उनसे पूछताछ की। पूछताछ खत्म होने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने पति को लेने ईडी दफ्तर पहुंची और दोनों वहां से अपनी गाड़ी में सवार होकर निकले। सूत्रों का दावा है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा से शनिवार को भी पूछताछ होगी। दिल्ली के पास नोएडा में सेक्टर 12 के मेट्रो हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल पर आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे की वजह से कई मरीज इमारत के अंदर ही फंस गए। आग इतने भयानक थी कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल के शीशे तक तोड़ने पड़े, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था क्योंकि अंदर आग लगी थी और बाहर धुआं ही धुआं था। ये धुआं इमारत के पिछले हिस्से से उठ रहा था। आग दूसरी मंजिल पर लगी थी। इस बीच कुछ लोग जान बचाने के लिए वार्ड से निकलकर खुले हिस्से में आ गए थे। इनमें एक मरीज काफी बुजुर्ग थे, धुएं की वजह से उनका दम घुट रहा था। साथ वाली जगह पर एक और आदमी दिखा, वहीं एक डॉक्टर और एक आदमी नीचे कूदने की कोशिश करते नजर आए। कुछ और लोग भी थे जो बाहर नहीं आ सके थे, जिसके बाद उन्होंने इमारत के शीशों को तोड़ना शुरू कर दिया। इस बीच नीचे से लोगों ने रस्सी फेंकने की कोशिश की, लेकिन ये रस्सी भी इमारत में फंसे लोगों तक नहीं पहुंच सकी। इसके बाद मदद के लिए कुछ लोग अस्पताल के बाहर बने एक प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए। इससे भी जब कुछ नहीं हुआ तो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अस्पताल की दूसरी तरफ सीढ़ी लगाकर छत तक पहुंचे, जहां से लोगों के सुरक्षित नीचे उतारने के लिए रस्सियां लटका दी गई। जो लोग बाहर आ चुके थे उन्हें रस्सियों और सीढ़ियों की मदद से सुरक्षित नीचे उतारा गया। इस बीच दो और लोग अपनी जान बचाते हुए सीढ़ी के पास पहुंचना चाहते थे। इस बीच दम घुटने लगा तो कुछ और लोग इमारत के शीशे तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करते दिखे। ऊपर से लेकर नीचे तक इमारत के शीशे चकनाचूर थे, जो लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए तोड़े थे। जिन मरीजों को बचा लिया गया था उन्हें एम्बुलेंस से नोएडा के सेक्टर 11 वाले मेट्रो अस्पताल की दूसरी ब्रांच में शिफ्ट किया गया। फायर ब्रिगेड की 8 से ज्यादा गाड़ियां वहां आग बुझा रही थी। इमारत से धुआं निकलना भी बंद हो गया था। हालांकि तब तक ये पता नहीं चल पाया था कि इमारत में फंसे सभी लोग बाहर आ चुके हैं या नहीं। फायर ब्रिगेड ने इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और इमारत के अंदर दाखिल हुए, लेकिन सीढ़ियों पर भी धुआं भरा हुआ था। सीढ़ियां न दिखें इसके लिए उन्हें बाहर से बंद किया गया था, लेकिन जब धुआं भरा तो फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद सीढ़ियां भी दिखने लगी। इस बीच जो लोग इमारत से बाहर निकाल लिए गए थे उन्हें एम्बुलेंस से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। हालात का जायजा लेने के लिए डीएम भी वहां पहुंच गए और मामले की जांच के आदेश दे दिए। मिनिस्ट्री इंक्वायरी सेटअप कर रहे हैं, उस प्रोसेस के बाद जो भी शेयरिंग होगी, जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो आपसे शेयर किया जाएगा। मेट्रो हॉस्पिटल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल भी वहां पहुंचे और बताया कि हादसे में किसी को भी चोट नहीं आई। मेरे सभी पेशेंट दे वर टोटली सेफ एंड दे आर सैटिस्फाइड, दे आर इन नो टाइम, दे आर वेरी वेल टेकन केयर। फायर ब्रिगेड ने भी अस्पताल में आग लगने की वजह साफ नहीं होने का दावा किया।